हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थालियान लाइफस्टाइल व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है वो आपको टाइटल देख के नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैंने टाइटल में सिर्फ लिखा है प्लीज़ लिसन। तो प्लीज़ लिसन लिखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं यहाँ पे कोरोना के ऊपर आपसे बात करने के लिए आई हूँ। आई नो मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लैक्स और मिलियंस में नहीं हैं डेफिनेटली, बट जितने भी हैं उसमें से अगर एक भी मेरी बात समझेगा तो शायद वो आगे पहुंचाएगा। और यही इस समय हम सब का मोटिव होना चाहिए कि हम सब में अवेयरनेस क्रिएट करें, हम सब एकजुट होकर काम करें, बिकॉज हमारे नेशन की हालत बहुत ख़राब है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे परिवार वालों में ही कुछ बीतेगा तभी हम सतर्क होंगे। दूसरों को देख के डेली 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 सोशल मीडिया पे यही भरा हुआ है, आज इसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई, यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं मिला, वहाँ पे बेड नहीं मिला, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली। यू वोंट बिलीव, देख के इतना ख़राब लगता है जब आप सुबह सुबह अपना फ़ोन देखो या न्यूज़ चैनल देखो और शमशान घाट के बाहर बॉडीज़ की लाइन लगी हुई है क्योंकि जलाने के लिए नंबर लग रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत इंडिया की हमने कभी नहीं सोची थी। और आई नो किसी एक के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, बट अगर सब लोग मिलके करेंगे तो हम हर चीज़ को रोक सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और किसी के अंदर थोड़ा भी इस चीज़ को लेके लगता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, तो प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया पे इसको स्प्रेड करेंगे तो 10 में से एक जने को ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप अपना चैनल चलाते हैं तो प्लीज़ इस ब्लॉग को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। यार गवर्नमेंट क्या कर लेगी? अगर हम ही लोग नालायक हैं, अगर इंसान ही नालायक है, गवर्नमेंट क्या कर लेगी? आप गवर्नमेंट को ब्लेम करे जा रहे हो, गवर्नमेंट क्या कर लेगी? पहले सब लोगों को गवर्नमेंट से ये प्रॉब्लम थी, जब पहला वेव आया था कोविड का तो सब लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि जितने भी बिजनेसमैन थे कि हमारा बिजनेस ठप हो गया है, आप थोड़ी ढील दे दीजिए, शॉप्स खोलने का परमिशन दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जब थोड़ी ढील दी अगस्त सितंबर में जाके थोड़ी ढील हो गई, लेकिन उस ढील को आप सबने इतना लाइटली ले लिया, सबके मास्क उतर गए, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, शादियाँ इतने बड़े बड़े स्केल पर हो रही हैं। यार डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है ना, कोविड चला गया दैट डजंट मीन कि आप पहले जैसे एकदम से हो जाएंगे, ये एक महामारी फैली है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है। नालायकी तो हम लोगों ने भी करी है ना, हम लोग इतने नॉर्मल हो गए इस चीज़ को लेके कि ठीक है कुछ नहीं होता, मास्क उतर गए हम लोगों के, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो एकदम फेल था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, खूब शादियाँ हो रही हैं। और कुंभ, इस महाकुंभ की क्या ज़रूरत थी? कुंभ के बाद ये एकदम से, ये जो सेकेंड वेव आई है ये ऐसे फैली है कि 3-4 दिन में लोग मर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लाइटली मत लो, इस चीज़ का वेट मत करो कि आपके अपने ख़त्म होंगे तभी आपको समझ में आएगा। जिनके घर वाले जा रहे हैं, जिनके घर वालों की डेथ हो रही है, उनसे जाके पूछो क्या बीतती है। बहुत बुरी कंडीशन है हमारे नेशन की, तो प्लीज़ एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ें। जिसकी मदद आप कर सकते हैं उसकी मदद कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। जिसके लिए भी आप हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, कहीं पे आपका कुछ भी सोर्स है आप उसकी हेल्प कीजिए। दूसरे को क्रिटिसाइज़ बाद में कर लेना, अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो क्रिटिसाइज़ किसे करोगे? तो क्रिटिसाइज़ करने का टाइम नहीं है। इंडिया में एक ट्रेजडी हुई है, उस ट्रेजडी को रोकने की कोशिश कीजिए, क्रिटिसिज्म बाद में भी हो जाएगा। और ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनको तो मौका मिल गया एक दूसरे पॉलिटिशियन को ब्लेम करने का, तो ब्लेम गेम मत खेलो यार, ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, ब्लेम बाद में लगा लेना, पहले अपने देश को बचा लो। तो मेरा बस यही कहना था, ये सोशल मीडिया पे ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से बेटर है आप सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया पे आएँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अच्छा यूज़ करें, एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये मत सोचिए कि आप घर में बैठ के दो वक्त की रोटी चैन से खा रहे हो तो उसमें भी ऊपर वाले की मेहरबानी है, हो सकता है वो भी छिन जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान ना करे आपके साथ कभी बुरा हो, लेकिन जिनको नहीं मिल रही है दो वक्त की रोटी चैन से, जो बीमारी से जूझ रहे हैं ना, आप उनको जाके देखिए। कुछ लोगों की बातें सुन के और देख के तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर से जो इंडिया में हेल्प आ रही है ना, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एयरफोर्स, नेवी, पुलिस रात दिन काम कर रही है, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। रेलवेज ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन कंटेनर्स
इंपोर्ट किए जा रहे हैं और हर स्टेट में भेजे जा रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इंडिया ने दो दो वैक्सीन बना ली विद इन वन ईयर और अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। 15 करोड़ लोग कुछ देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, बट उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एक साल पहले तक एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी और आज हमारे देश में हजारों टेस्टिंग लैब्स हैं, बट उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। मास्क, सैनिटाइज़र, पीपी किट हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं था लास्ट ईयर तक, बट इस साल लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है इस चीज़ का, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बेड्स एंड ऑक्सीजन, इसकी प्रॉब्लम चल रही है बट स्टिल 80% लोग ठीक होके घर भी जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ और गवर्नमेंट का उसमें भी कोई रोल नहीं है। रातों रात हजारों आइसोलेशन सेंटर्स तैयार हो रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। कुछ स्टेट्स ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और नए नए प्लांट्स लग चुके हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। और भी न जाने ऐसे कितने काम होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये सब काम अपने आप हो रहे हैं। गवर्नमेंट के सारे लोग अपने घर में बैठ के IPL देख रहे हैं और फेसबुक का। मेरे इस पोस्ट को देख के अब कुछ लोग बोलेंगे मैं BJP की सपोर्टर हूँ। सबको हाथ जोड़ के मैं ये बोलना चाहती हूँ, ना मैं BJP सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं एक इंडियन हूँ और पॉलिटिक्स में मेरा दूर दूर तक जाने का कोई प्लान नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये किसी तानाशाही से नहीं बनी है, ये आप और हमने मिलके वोट दे के बनाई है। और अपने ही देश पर, अपनी ही चुनी हुई गवर्नमेंट पर हम लोग अगर ब्लेम लगा रहे हैं तो हमारा मानसिक संतुलन खराब है। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस रहेंगे, ट्रेजडी से इंडिया को बचाओ, दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो। सेव नेशन, इट्स अ नेशनल ट्रेजडी, इट्स नॉट द टाइम टू क्रिटिसाइज। इंडिया को फ्रांस बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट फ्यू डेज में वो 8 ऑक्सीजन जनरेटर्स प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। 250 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रख, 2000 पेशेंट्स को 5 डेज के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और ICU के लिए वेंटिलेटर्स, 28 वेंटिलेटर और इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस हेल्प इज नो लेस। कोई देश आपकी हेल्प कर रहा है तो गवर्नमेंट का कुछ तो रोल होगा ना उसमें। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे नहीं बोलूँगी मैं ये बात। सो इन द एंड मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम COVID-19। अगर BJP काबिल होती तो MP में स्प्रेड नहीं होता कोविड। अगर कांग्रेस काबिल होती तो छत्तीसगढ़ में स्प्रेड नहीं होता कोविड। अगर शिवसेना काबिल होती तो महाराष्ट्र में स्प्रेड नहीं होता कोविड। अगर केजरीवाल काबिल होता तो दिल्ली में स्प्रेड नहीं होता कोविड। योगी काबिल होता तो UP में स्प्रेड नहीं होता कोविड। और अगर मोदी काबिल होता तो इंडिया में स्प्रेड नहीं होता कोविड। और लीडर्स अगर काबिल होते तो उनको भी कोविड नहीं होता। और अगर पैसे से कंट्रोल किया जा सकता तो अमेरिका में स्प्रेड नहीं होता। डॉक्टर्स और दवाइयों के बस की होता तो स्वीडन, फ्रांस और बेल्जियम में स्प्रेड नहीं होता। तो एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट्स करके इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, इस चीज़ के ऊपर कॉम्पिटिशन मत कीजिए। घर से बाहर बेवजह मत निकलिए, निकल रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। अपनों को बचाइए, खुद को बचाइए। आर्ग्यूमेंट्स बाद में भी हो जाएंगे, फाइट बाद में भी हो जाएगी, ब्लेम गेम बाद में भी हो जाएगा। लेट्स नॉट क्रिटिसाइज, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, बी यूनाइटेड एंड सेव द नेशन। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक्स।